दिल्ली ने अपना एक बहादुर पुलिसकर्मी खो दिया। आज उस जाबाज पुलिसकर्मी को पुलिस महकमा ही नहीं बल्कि पूरा देश सलाम कर रहा है। 57 साल के उस बहादुर पुलिसकर्मी का नाम है शंभू दयाल। एएसआई पद पर तैनात शंभू दयाल एक बदमाश के साथ मोर्चा लेते हुए शहीद हो गए, लेकिन उनकी बहादुरी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि जनता की रक्षा करते हुए एएसआई शंभू जी ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की, वे शहीद हो गए, हमें उन पर गर्व है। उनकी जान की कोई कीमत नहीं, पर उनके सम्मान में हम उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देंगे। अब पूरा वाकिया क्या था ये भी जान लीजिए। दरअसल 4 जनवरी की शाम करीब 4 बजे मायापुरी फेज 1 झुग्गी की रहने वाली एक महिला थाने में शिकायत लेकर पहुंची और कहा कि एक बदमाश ने उसके पति का मोबाइल फोन लूट लिया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने धमकी भी दी है। शिकायत मिलते ही मायापुरी में तैनात एएसआई शंभू दयाल तुरंत रेवाड़ी लाइन के पास झुग्गी में पहुंच गए और उन्होंने अनीस नाम के आरोपी को पकड़ लिया। लेकिन जब वो अनीस को थाने ला रहे थे, रास्ते में उसने एएसआई पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए, लेकिन एएसआई शंभू ने बिना डरे उस बदमाश को पकड़े रखा। हमले की वजह से एएसआई का खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने अपने चंगुल से अनीस को भागने का मौका नहीं दिया और आखिरकार खून से लथपथ एएसआई शंभू दयाल ने दूसरे पुलिसकर्मियों की मदद से अनीश को पकड़ लिया। लेकिन उधर इलाज के दौरान 8 जनवरी की सुबह जाबाज एएसआई ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने घटना का एक वीडियो शेयर किया है और कहा है कि बहुत बहादुरी से दिल्ली पुलिस एएसआई शंभू दयाल जी अपराधी को काबू करते हुए शहीद हुए। आखिरी दम तक वो लड़ते रहे। दिख रहा है कम से कम 50 लोग वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, किसी ने मदद नहीं की। हम उनको सलाम करते हैं। इस साल DCW उनके परिवार को सम्मानित करेगा। बहरहाल राजस्थान में मौजूद पैतृक गांव में एएसआई शंभू दयाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस दौरान कई वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर दुख जताते हुए लिखा, कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों का बलिदान करने वाले एएसआई शंभू दयाल हम सब के आंखों में आंसू और मन में साहस देकर पंचतत्व में विलीन हो गए। एक अन्य ट्वीट में दिल्ली पुलिस ने लिखा, एएसआई शंभू दयाल का कर्तव्य के प्रति समर्पित भाव एवं बलिदान भावी पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर निर्भीकता से अग्रसर होने की प्रेरणा देता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।